नमस्कार, कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कानूनी जानकारी के अंतर्गत जैसे हम किसी से लेन देन करते हैं, हमसे कोई पैसा ले जाता है और उस पैसे की जो वापसी करता है तो वो चेक द्वारा करता है, और वो चेक अगर आपकी बाउंस हो गई है, बैंक ने अमान्य कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आगे क्या प्रक्रिया है, कैसे हम पैसा वसूलेंगे, तो इसी सब को लेकर आज हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान मुकेश दीक्षित जी मौजूद हैं और हम आपसे ही इसके संबंध में चर्चा करेंगे। वकील साहब, 138 एनआईएक्ट इसके संबंध में क्या कहती है? एनआईएक्ट बनाया गया है, जब कोई चेक जो है निशाना हो जाता है जी, तो उस चेक के निशाना के समय में धनराशि वसूलने के लिए जो मुकदमा किया जाता है सक्षम न्यायालय में जी जी, वो एनआईएक्ट की धारा 138 के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, इससे इससे पहले नोटिस वगैरह एनआईएक्ट के अंदर जो चेक निशाना होने के एक महीने के अंदर नोटिस देना पड़ता है, एक महीने से पहले हाँ, डिसऑनर होने से एक महीने पहले, एक महीने के अंदर नोटिस देना पड़ता है ठीक है, एक महीने का नोटिस देना पड़ता है, उस नोटिस में हम 15 दिन का समय देंगे, 15 दिन का एक उस नोटिस उनको हम 15 दिन का समय दे दें कि आप 15 दिन के अंदर हमें जो चेक में बड़ी धनराशि उसका भुगतान कर दें जी, आगे यदि आप भुगतान नहीं करते हैं तो हम सच्चे न्यायालय में इसका जो है परिवाद दायर करें, परिवाद दायर करें तो परिवाद में यही सब कागज वगैरह ये लगाए जाते हैं, परिवार में हमको ये साबित करना पड़ेगा कि हमारा उनका रुपया स्टेटमेंट भी लगाया जाता है, तो है परिवार हमको ये साबित करना पड़ेगा जी कि जो हमारी धनराशि वो उनके ऊपर बकाया है और उस धनराशि को लेने के लिए हम अधिकारी हैं। अच्छा, जैसे हमारा पैसा लिंगरान हो गया, बीच में हमारा अवरोध हो गया, तो हमारा मानसिक आर्थिक क्षति हुई, क्या उसका भी कुछ प्रावधान है? न्यायालय को ये अधिकार है कि चेक में बने धनराशि को भी धनराशि दिला सकता है। अच्छा अच्छा, चेक में जो भी धनराशि बढ़ती है जी, उसके दो गुना धनराशि देगा और उसको 2 साल की सजा उसको हो सकती है। अच्छा 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 अच्छा, जैसे हमारा पक्षकार है जी, जैसे हमारा प्रतिवादी है जिसने चेक हमको दिया और दौरान मुकदमा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो विधिक प्रतिनिधि है या विधिक उत्तर है उनको पक्षकार नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये फौजदारी मुकदमा होता है, ये सिविल मुकदमा नहीं है, तो हमारा पैसा वो आपका पैसा चला जाएगा, उसके लिए हम जो है उनके विरुद्ध रिकवरी सूट लाएंगे। अच्छा, रिकवरी सूट लाएंगे उसके लिए उनके विरुद्ध, उनके विरुद्ध जो है दिवाली का दावा लाएंगे, जिसके लिए जो अपनी धनराशि हम उनसे वसूल सकते हैं। अच्छा, हम चाहेंगे कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है सर्वप्रथम पहले क्या है जी, न्यायालय में जितनी हम ये चाहते हैं इस कार्यक्रम में जो हमारे जूनियर अधिवक्ता जी 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 उनको भी कुछ सूझ मिले, जो शुरुआत में क्या प्रक्रिया शुरुआत जब हम फाइल करते हैं उसे जी, चेक निशाना होने के एक महीने के अंदर हम जो है नोटिस देंगे और नोटिस की तामील के एक महीने के अंदर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा, परिवाद प्रस्तुत करते समय अपना साक्ष्य देंगे जी, धारा 200 के अंदर, क्योंकि अन्य मुकदमे की अपेक्षा इसमें जो है जो साक्ष्य होगा वो शपथपत्र का साक्ष्य लिया जा सकता है। अच्छा, शपथपत्र उसमें जो न्यायिक समझ उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, हम अपना एफिडेविट दायर करके धारा 200 में दे सकते हैं। अगला स्टेप धारा 200 तो देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर मौखिक साक्ष्य 202 का नहीं देना पड़ता है और 204 सीआरपीसी के अंदर न्यायालय जो उसको तरफ सकता है बिल्कुल, फिर अगला स्टेप उसके बाद न्यायालय जो है समन जारी करेगा उसके प्रतिवादी पक्ष में, जो प्रतिवादी है या जो मुलजिम होगा समन जारी करेगा और समन जारी करके नहीं आई होता तो जो है वारंट जारी कर सकता है। अच्छा, वारंट वो आएगा, वारंट वो आएगा, अपने जवान कराएगा, जवान करा कर वो अपना जो है पक्ष रखेगा, पक्ष रहेगा, फिर क्या स्टेप है? उसके पक्ष रखने में हमको ये साबित करना पड़ेगा कि डेप्थ एंड लायबिलिटी क्या हमारा जो पैसा है उसको ऋण या दायित्व के ऊपर है, अगर हमारा ये साबित हो जाता है ऋण या दायित्व है तो ऋण या दायित्व के अंतर्गत जो है उनके ऊपर न्यायालय दोगुना जुर्माना करेगा और 2 साल तक की सजा कर सकता है। कभी कभी प्रतिवादी जो है वो यही वो बोलता है कि वो हमने पैसा इनको दे दिया है, ऐसा कि जो सेक्शन 139 बनाई गई है, 139 जी जी एनआईएक्ट की सेक्शन 139 में ये प्रजंप्शन किया जाएगा। अच्छा, ये प्रजंप्शन किया जाए कि आपका आपके ऊपर पैसा है, जब तक वो अन्यथा वो साबित न कर दे तब तक 139 इसकी बनाई गई है एनआईएक्ट की। अच्छा, 139 एनआईएक्ट के अंदर ये प्रजंप्शन है कि आपको पैसा उनका बकाया हुआ है, इसलिए ये उनका कहना गलत है हमने पैसे दे दिए जब तक
दे दिया। हाँ, वो डिनाई कर जाते हैं कि हमने पैसा इनको दे दिया, वो चेक जो है हमने लेने से मतलब ले नहीं पाया समय से, और ये इन्होंने मुकदमा कर दिया जो है, तो उनका नहीं माना जाएगा, कोई प्ली नहीं मानी जाएगी, वो केवल मुकदमे की बनावटी के लिए है या मुकदमे को लिंगर आन करने के लिए हो सकता है, बाकी जो न्यायालय जो होकर कोई विचार नहीं। अच्छा, साक्ष साक्ष वगैरह किस तरीके? हाँ, इसमें इस व्यवस्था इसमें साक्ष जो शपथ पत्र हो सकते हैं। अच्छा, इसमें साक्ष शपथ, और एक और बात इसमें की गई है, ये मामला समनीय अपराध है। नहीं होता है तो जो भी न्यायिक व्यवस्था है, मेरी जैसे सीआरपीसी व्यवस्था बनाई गई है, सीआरपीसी अंतर इस मुकदमे का ट्रैक किया जाएगा। अच्छा, ये लगभग इसका अंत जो है मुकदमे का जाता उसी वादी के ही पक्ष में, लगभग 80% उम्मीद जो है जो चेक धारण करता होता है उसके पक्ष में जाता है। हम चाहते हैं कि 138 NI एक्ट में अगर कुछ और भी बताना चाहें। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में यह व्यवस्था किया है कि जो चेक किसान के पास खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के अलावा अन्य भी कोई कारण है, जैसे किसी ने खाता बंद कर दिया है, किसी के सिग्नेचर नहीं मिले हैं, कोई अन्य कारण है, उसके आधार पर भी जो चेक डिसारण का मामला माना जाता है। पहले ऐसा था 2002 के पक्ष में कि अगर खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है तो केवल चेक डिसारण का मामला माना जाता था, लेकिन 2002 के बाद में अन्य कारण भी उसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं, उसके आधार पर भी ये मामला माना जाता है। अच्छा, चेक जब प्रतिवादी काट के देता है वादी को, तो मतलब घबराना नहीं चाहिए, उसी साल साक्ष मान करके मामले को डिसाइड कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस कार्यक्रम में आप आए और आपने समय दिया, और भविष्य में भी हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि अगर कोई कानूनी जानकारी अगर दर्शक तक हमें पहुंचाना है तो हम आपसे निवेदन करेंगे और आप निवेदन स्वीकार करेंगे। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, धन्यवाद।